हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम कान से जो प्रॉब्लम आती हैं, स्पेशली जिनका हियरिंग लॉस हो जाता है, हियरिंग की प्रॉब्लम आती है, डीपनेस की प्रॉब्लम है, उनके बारे में बात करेंगे। यूजली पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा कि जो डीपनेस है, जो हियरिंग लॉस है, बेसिकली ये तीन टाइप का होता है। एक तो जो सेंसोर न्यूरल हियरिंग लॉस, सेकेंडली कंडक्टिव लॉस, और थर्ड जो होता है, इन दोनों का जो मिक्स लॉस होता है उसको मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेंसोरल लॉस है, बेसिकली जो इनर ईयर है, जो कॉकलियर और उसके जो एसोसिएटेड पार्ट हैं, वो जब साउंड वाइब्रेशन को कन्वे नहीं कर पाती पूरी तरह से, जो ट्रैवल नहीं कर पाती, ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता उस साउंड वेव का, तो उसको हम ये सेंसोरल प्रॉब्लम कहते हैं। जो क्रेनियल नर्व नंबर हमारी 8 है, ऑडिटरी नर्व, अगर वो स्क्वीज हो जाए, जहाँ उसके फाइबर बीच में ब्रेक हो जाए, जहाँ वो प्रॉपरली काम ना करें, तो उसके कारण जो प्रॉब्लम आती है उसको हम ये वाली SNHL प्रॉब्लम कहते हैं। सेकेंडली जो कंडक्टिव हेयर लॉस है, वो बेसिकली इसलिए होता है कि जो हमारी ईयर कैनाल है उसमें कोई ट्यूमर आ जाए, बैक्स प्रॉब्लम आ जाए, जो कि साउंड वाइब्रेशन, साउंड वेव्स को प्रिवेंट करे टेम्प्रेरी, वो उसको हम ये कंडक्टिव। और बोथ में मिक्स में ये आता है, जब इन दोनों के मिश्रण से जब प्रॉब्लम आती है तो इसमें हम इनको मिक्स्ड टाइप की हेयर लॉस कहते हैं। यूजली कन्वेंशनल मेडिसिन के अंदर ये कहा जाता है, आइदर तो कोकलियर इम्प्लांट लगा लो, या फिर इसमें मशीन लगाने पड़ती है, उनके मुताबिक अगर एक बार लॉस हो गया तो ये इरिवर्सिबल है, ये दोबारा ठीक नहीं होता। बट इतनी सारी ओरिएंटल मेडिसिन के अंदर थेरेपीज हैं, चांसेस हैं कि ये सारे का सारा जो है रिवर्स हो सकती है, दोबारा ये जो है आदमी पूरी तरह से सुन सकता है ना हो। पहला तो ये है कि अगर अब इसको कैसे रिवर्स करें इस हियरिंग लॉस को, सबसे पहले ये है कि जो वो खाना खा रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी अगर हम क्वांटिटी या उसका ध्यान रखें, स्पेशली विटामिन ए और डी, जो कि बहुत यूजफुल है हमारे ईयर हेल्थ के लिए, और हमारे इन कान के बीच में जो कॉकलियर पार्ट है, जो इनर का पार्ट है, उसमें दो प्रोटीन रहते हैं जिसको TMC1 एंड TMC2, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल नंबर 1 और 2। जब इनमें कोई दिक्कत आती है, इनको पौष्टिकता ठीक से नहीं मिलती है और ये साउंड वेव्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते, तब ये यो प्रॉब्लम आती है ना। अगर हम कुछ ऐसे प्रोटीनिशियस या कुछ विटामिन या एक न्यूट्रेंट वाला खाना खाएं, तो ये प्रॉब्लम हम इसको धीरे धीरे ओवरकम किया जा सकता है। नरिशमेंट अगर प्रॉपरली मिलेगी तो इसको ओवरकम किया जाता है, जा सकता है। इसके लिए जैसे आप कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ योगाज हैं, इवन कुछ प्राणायाम हैं, जिससे जरिए हम इनको पूरी तरह से ओवरकम किया जाता है। सबसे पहले मैं मुद्रा थेरेपी में आता हूँ। इसके लिए सबसे जो बेस्ट मुद्रा है वो है शून्य मुद्रा। ये जो मिडल फिंगर है, जो सबसे ऊंची वाली है, जो आकाश तत्व है, इसको अगर हम फोल्ड कर दें और ऊपर से अंगूठे के साथ इसको प्रेस करें, तो ये शून्य मतलब जीरो का आकार बन जाएगा। इसको हम रेगुलरली 45 मिनट एटलीस्ट 1 महीने तक करें, तो मेरे को पूरा यकीन है कि उसकी 50% जो ये प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। देन आफ्टर 1 मंथ फॉलोड बाय आकाश मुद्रा, सेम इस उंगली को, इस आकाश बड़ी वाली उंगली को हम स्ट्रेट खड़ा कर दें और फायर एलिमेंट के साथ अटैच कर दें, तो ये आकाश मुद्रा बन जाती है। 1 महीना शून्य मुद्रा फॉलोड सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय आकाश मुद्रा विल हेल्प टू रिवर्स दिस पर्टिकुलर हेयर लॉस प्रॉब्लम। मोर देन 80% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट बाय ओनली डूइंग दिस ड्रगलेस थेरेपी। बट व्हाट द प्रॉब्लम और द प्रिकॉशन विच वन हैज टू टेक इज दिस शुड बी डन एट लीस्ट 45 मिनट इन अ डे। इट शुड नॉट बी, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू गो विद अ सिंगल स्ट्रेच, वन कैन डिवाइड इन टू 15 मिनट, बट
the time period should not be less than 45 minutes and should continue constantly, should not be break in between for 1 month Shunya and 1 month Akash Mudra.